In the last class, we were discussing about the theoretical portion of the chapter number 2, Unit and Measurement. Today, we will solve the numerical portion of this chapter or exercise. The first problem is 2.1. Fill in the blanks. Part A. The volume of a cube of side 1 cm is equal to meter cube. इस डॉट डॉट यानी जो फिल इन द ब्लैंक्स है उस पर हमें बताना है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब कितना होता है. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब ऑफ साइड दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या लगाएंगे. वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है हमारे पास एल क्यूब, और एल की वैल्यू क्या दे रखी है 1 सेंटीमीटर. ठीक है, इस 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10^-2 meter. ठीक है, तो 10^-2 meter का होल क्यूब, और ये आएगा 10^-6 meter cube. तो फिल इन द ब्लैंक्स की जगह आप आएगा 10^-6 meter cube. दिस इज योर आंसर ऑफ पार्ट ए. पार्ट बी कह रहा है द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर. सरफेस एरिया आपको निकालना है सॉलिड सिलेंडर का, और इसमें रेडियस दे रखी है और हाइट दे रखा है. ठीक है, रेडियस और हाइट दे रखा है, तो सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ सरफेस सिलेंडर. फार्मूला लगाएंगे 2πRh. अब आपके पास R की वैल्यू भी दे रखी है, कितनी है 2 सेंटीमीटर. H की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर. ठीक है, ये अब हमें आंसर जो है ये बताना है mm में. ठीक है, तो mm में आंसर तो ऐसा करेंगे, इसे चेंज कर लेंगे, 2 सेंटीमीटर की जगह हम क्या कर लेंगे. देखो 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 mm, तो ये हो जाएगा 20 mm, ये हो जाएगा 100 mm. तब इसके हिसाब से हम यहाँ लिखेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे 2 pi की वैल्यू लगाएंगे 22/7. आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, और एच की वैल्यू हो जाएगी 100. इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी आपकी, आंसर आएगा वो आएगा 1.26 × 10^4. ठीक है, दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट पार्ट सी है, ए व्हीकल मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 18 km/h कवर्स इन मीटर इन 1 सेकेंड. ठीक है, तो जो वेलोसिटी है, सबसे पहले वेलोसिटी हमारी गिवन है, इसमें कितनी है 18 km/h. मीटर में बताना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को चेंज कर देंगे ये मीटर पर सेकंड में. तो 18 × 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 5 m/s. ठीक है, वेलोसिटी, और टाइम दे रखा है 1 सेकेंड. ठीक है, टाइम गिवन है 1 सेकेंड, लेकिन हमें कवर्स इन, और ये m दिख रहा है. ठीक है, इस m का मतलब है मीटर. ठीक है, तो यहाँ से आप फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला लगाएंगे, ये 5 m/s हो गया. अब आप डिस्टेंस कवर लगाना है, तो वेलोसिटी इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस इक्वल क्या हो गया हमारे पास, डिस्टेंस इक्वल हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम. तो ये 5 × 1 = 5 m आ गया. यहाँ सी का आंसर होगा 5 m. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डी रहता है. ठीक है, नेक्स्ट डी कह रहा है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3, इट्स डेंसिटी इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू और किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यू में क्या होगी. तो 11 जो डेंसिटी दे रखी है वो 11.3 दे रखी है. अब वो ग्राम पर सेंटीमीटर इसमें क्या होगी और इसमें क्या होगी. ठीक है, दोनों में
डेंसिटी हमें बतानी है, तो यहाँ होगी 11.3, ठीक, पहले वाले में 11.3, और इस वाले में होगा हमारे पास 11.2 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो गया हमारा फर्स्ट।